जय नमोस्तु। तत्त्वं सनन्द्यानन्दमयं चेन्निनन्दशः परं तत्पदविन्दपनमयोऽसि त्रिशुभा गुरवे श्रीगुपतिर्गुपतिज्ञानसहितारणितरणसमर्थमुनि गुरु संसार धम च तव जिनवरी अर्थ त्यर्थ जो वैनाश भव जो मम ज्ञान पर दीप गुरु को धर्म को साची को वरमानुष्का श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराजी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य व शत्रु व संत कारंतर मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जिन देशना की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। सर्वज्ञ परमात्मा श्री शिनेन्द्रदेव और ये अमृतमय गीतराग वाणी जिसका रस स्वादन अपन निरंतर कर रहे हैं भैया। आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी कमलवती श्री ग्रंथाधिराज में जीव के विचारों को सम्यक आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। सम्यक आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं मतलब अनादिकाल से मिथ्या आचरण सिखाना नहीं पड़ा। इस जीव ने इस संसार में अनंत काल से मिथ्या आचरण ही किया है। इसे मिथ्या आचरण करना सिखाना नहीं पड़ता। गजब की बात देखो इस जीव को मिथ्या आचरण करना सिखाना नहीं पड़ता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक मतलब संसार में रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव के पास। तो इस जीव को स्वाभाविक प्रवृत्ति है काहे की मिथ्यात् रूप परिमित होने। और ये गजब का सिद्धांत है कि क्या इस जीव को इस मिथ्यात् को सिखाना पड़ता है कहने के नहीं सिखाना पड़ता। तो भैया इस जीव को संसार में ये संयोग में रह रहा है, संयोगी भाव में रह रहा है, इस संसार में रहना कोई सिखा रहा है क्या? कहना नहीं। अनंत काल से ही संसार में रहता आ रहा है और भैया जब तक इसकी दृष्टि नहीं पलटेगी अनंत काल तक संसार में ही रहेगा। तो मिथ्यात् में आचरण करना अर्थात मिथ्या विचारों में परिणमित होना इस जीव को सिखाना नहीं पड़ता भैया। क्यों नहीं सिखाना पड़ता भैया? क्योंकि संसार में रहा है और वर्तमान में आज मनुष्य पर्याय में भी है। तो मन मन क्या है भैया? इसके विचारों के समूह का नाम मन है। कौन से विचारों के समूह का नाम भैया? जो इसके कर्म बने उन विचारों के समूह का नाम बने। सम्यक दृष्टि होगा तो परिभाषा बदल जाएगी, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं भगवान जी? विचारों के समूह का नाम मन है। कौन से विचारों के समूह का नाम मन है भैया? जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी कर्म के संस्कार जीव के अंदर में शुभ अशुभ भाव परिणाम रूप अनादि से मिथ्या मानता रूप जो संस्कार इस जीव के चित्त में अर्थात मन में है, जो अनादि मिथ्या अभिप्राय जीव के अंदर में है, उन विचारों के समूह का नाम है तो मन है। मन है क्या? मन एक विचारधारा ही तो है जो किस ओर बह रही है भैया? वर्तमान में संसारी जीवों की, अज्ञानी जीवों की विचारधारा कहाँ बह रही है भैया? इन अज्ञानी संसारी जीवों की विचारधारा इंद्रिय विषय भोगों की ओर बह रही है भैया। पाप इसे कसाई की ओर बह रही है। ये देखो संसार, इसे कहते हैं संसार, गहरा संसार, घोर संसार। क्या कैसा संसार भैया? अनादि काल से इस जीव की विचारधारा कहाँ बह रही है? किस ओर बह रहा है ये जीव? किस ओर बाहर चला जा रहा?
तो अपन देखेंगे भैया कि ये जीव अनादि काल से अपने स्वभाव का विस्मरण करके, अपनी अंतर चेतना का विस्मरण करके, अर्थात आत्मा से विपरीत, स्वाभाविक चेतना से विपरीत विभाव स्वभाव भाव रूप, विभाव रूप आचरण करता हुआ और विचारों में बहा जा रहा भैया। कौन से विचारों में बहा जा रहा है कुछ नहीं पता भैया, राग द्वेष मोह अहंकार क्रोध मान माया लोभ के ना अनंत विकारी परिणाम, ना जाने कितने विभाव परिणाम है, कितनी विभाव कर्म की प्रकृतियां हैं, कहने लगे उन विभाव भाव के रूप में बहा जा रहा है। और उन विभाव भाव में रथ है, और उन विभाव भाव में रथ हो गया भैया आज भी संसारी कहला रहा है, संसारी कहला रहा है, और संसारी कहला रहा है ये तो अरिहंत अवस्था तक रहेगा, लेकिन संसार ही इसकी परिणति है। जे संसार ही इसकी परिणति मतलब, संसार इसकी परिणति मतलब ये संसार ही इसे सत्य है, सत्य रूप भाषित हो रहा है, नित्य रूप भाषित हो रहा है, शाश्वत रूप भाषित हो रहा है। ये विचार जो चल रहा है ना राग के देश के मोह के कर्तृत्व के वक्तृत्व के काम के विषय के वासना के, ये दिन रात की भावधाराएं जो चल रही है ये इसे नित्य रूप भाषित हो रही, इससे भिन्न अपने तत्व के विचार करने के लिए सम्यक में परिणति करने के लिए इसकी अंतर चेतना में जागृति का या फिर ऐसा कहें अंतर आत्मा का होश नहीं आ रहा, इसे अंतर से बोध नहीं आ रहा, कहेगा भैया जागृत नहीं हो रहा। कहाँ जागृत नहीं हो रहा, अपने त्रिकाली गायक तत्व ध्रुव तत्व को श्रद्धान से पी के और उसका विचार करने के, यहाँ तारण स्वाम विचार मत में सम्यक में आचरण करना सिखा रहे हैं। विचार मत उनका ग्रंथ दर्शन ज्ञान चारित्र ही तेरा स्वरूप है, हे जीवात्मा ऐसा तू अच्छे से विचार कर ले। पहला ग्रंथ मालारोहण जी सम्यक के गुण ही दर्शाए उन्होंने, दूसरा ग्रंथ पंडित पूजा जी ज्ञान के गुणों, ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी गुणी जन सम्यक को जानने वाला, सम्यक रूप गुणों को जानने वाला मालारोहण से सम्यक गुणों का सिद्धांत करे, अर्थात अनंत गुणों में आत्मा का सिद्धांत करेगा, गुणों में आचरण ही धर्म है, सम्यक दर्शन को स्वीकार करेगा, सम्यक का विचार करेगा, पंडित पूजा में सम्यक पूजा का विचार करेगा, उसमें चरण करेगा, और कमलवती जी में क्या करेगा भैया चारित्र का विचार करेगा कि मैं ये रागादि परिणाम रूप प्रणमन कर रहा हूँ ये मैं हूँ, या फिर जो आचार्य तरण तरण देव गायक स्वभाव परम तत्व की महिमा कह रहे हैं वो मैं हूँ। अपने अपने में आचरण का विचार करना भी कि मेरा आचरण क्या है, ये पर पदगल पर्याय राग आदि विकारी परिणाम चारित्र मोह के देश चलने वाला ये कोलाहल कर्मों का कोलाहल, राग देश कसाई की नाना प्रकार की जो विकृत धारा है, ये जो कर्मों का कोलाहल हो रहा है पूरी संसार में हाहाकार मची हुई है भैया, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए अपनी वासना के लिए अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए अपनी वासनाओं के लिए पर के लिए पागल हो रहा है हर व्यक्ति, कोई भी नहीं बचा इस संसार में, मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव मोह की माया में डूबा हुआ कोई भी जीव इन व्यसनों से वासनाओं से इच्छाओं से कामनाओं से कोई भी रहित नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत अपनी अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए पागल हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मिथ्या चारित्र ही देखा, संसार ही देखा, संसार के विषय भोग ही देखे, संसार की वासना ही देखी है, और जिन जीवों ने संसार के विषय देखे हैं संसार की वासनाओं को देखा है वो जीव इस रूपी परिणमित होंगे। और भगवान आत्मा जिन्होंने संसार की वासनाओं से अलग होके तत्व का विचार करना है उनके लिए कमलवती से जी अपने आचरण का विचार करना है, क्या ये मैं तो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला गायक तत्व परमात्मा पर अप्पा पर तो पर भाव से भिन्न मैं आत्मा वीतराग चतुष्टय का धारी हूँ, और मेरा आचरण तो क्या है शुद्धम चरणस्य अनुमोह संयुक्तम, अपना आचरण तो शुद्धता में चरण करना है और उस चारित्र को अंगीकार करके अनुमोह संयुक्तम उसकी रमणता से संयुक्त रहना भैया, अर्थात गायक स्वभाव के आश्रय से संयुक्त रहना अपना काम, अपने उपयोग का काम क्या भैया आवश्यक कार्य स्वयं रमण, श्री छत्मस्त वाणी जी गुरुदेव कह रहे हैं 16 कारण भावनाओं में, वहां क्या कह रहा है कि आवश्यक कार्य क्या भैया तुम्हारे लिए अनिवार्य कार्य क्या है,
क्या है भैया तुम्हारे अनिवार्य कार्य? कहने बहुत अनिवार्य कार्य क्या है भैया? दिन रात भैया दुकान चलाना, मकान चलाना, मकान बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, राग करना, देश करना, नाना प्रकार की विकार परिणति है, संसार के काम बहुत सारे काम है भैया, सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम। तो कहना अनिवार्य कार्य क्या भैया? सुबह उठ के मंजन करो, नहाओ धो, चित्यालय जाओ, दुकान जाओ, घर आओ, या फिर भोजन बनाओ, भोजन कराओ, और दोपहर में आराम करो, शाम को फिर अंतो करो, और रात्रि में विश्राम करो। आवश्यक कार्य क्या है? घर के सारे काम निपटा। आवश्यक कार्य सिर्फ स्वयं रमण है कि आत्मा में रमणता करने की चिंता जीव को हो, विचार तो हो। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, शुद्धम चरणस, तुम शुद्ध ज्ञान प्रकाश में हो, तो क्या शुद्धम चरणस्य अनुमोह संयुक्त, तुम शुद्धता में आचरण करो, अर्थात शुद्ध उपयोग में, शुद्ध उपयोग में चरित्र को प्रकट करो, शुद्ध वीतराग चरित्र को प्रकट करो, शुद्ध वीतराग चरित्र को प्रकट करो, अनुमोह संयुक्त, उसकी रमणता से संयुक्त है ना, बस उस स्वभाव की, उस चारित्र की, उस निज पद में रमण करने की भावना से संयुक्त है ना, भावना पर में आचरण करने की नहीं रह भी है। क्यों? क्योंकि तुमने आत्मा पर में भेज जान लिया, पर पर्याय की शल से मुक्त रहना, अपने चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपने जान लिया कि ज्ञान सहावन शुद्ध, ज्ञान का स्वभाव कैसा भैया? शुद्ध, परम शुद्ध। अपना ज्ञान का स्वभाव तो पूर्ण शुद्ध ही है। अब जब ज्ञान शुद्ध है तो पागलपन क्यों चल रहा है? क्या पागलपन भैया? ये अशुद्ध क्या बोलते हैं, मलिन अवस्थाओं में, राग आदि विकारी अवस्थाओं में अज्ञान रूप प्रणमन क्यों कर रहा है? अज्ञानी बन के प्रणमन क्यों कर रहा है? अर्थात अज्ञानी बन के प्रणमन क्यों कर रहा है, मतलब पर परिणमन में मूर्छित क्यों हो, मोहित क्यों हो पर भाव पे, राग आदि कषाय पर्याय परिणति पे मोह क्यों है? मोह यानी क्या करें भैया जी? अरे ज्ञान सहावम शुद्धम, ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है ना, तो कहना बिल्कुल शुद्ध है। तो कहना शुद्धम चरणस्य अनुमोह संयुक्तम, शुद्धता में चरण करो और अनुमोह संयुक्तम, भैया क्या करो? शुद्धता में आचरण करते हुए अनुमोह संयुक्तम, उस शुद्ध स्वभाव की रमणता की जो अनुभूति है उससे संयुक्त रहो भैया। शुद्धात्मा में चरण करने का विचार करो, विचार मत का ग्रंथ। अब भैया देखो गुरु महाराज कह रहे अपने मन के विचारों को बदलो, मन के विचारों को बदले कैसे बदले? मन के विचार काम के, विषय के, भोग के, राग के, क्या बोलते पर पर्याय को ग्रहण करने के, पर के आश्रय रहने के, पर मतलब कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुत्र हो, परिवार हो, धन हो, दौलत हो, पर मतलब पर, पर मतलब पर कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव भैया कि मंदिर हो, तीर्थ हो, चैत्यालय हो, कोई भी हो भैया, पर के निमित्त से तो कहने लगे विकार ही उत्पन्न होगा भैया। क्या करना भैया फिर? अपने को करना क्या है? अपने निर्विकार तत्व में जाना। विचार काहे का करें भैया दिन रात? हम ये विचार करें कि हमें शिखर जी जाना है दर्शन करने, यानी ये शुभ राग, ये भाव तो शुभ राग के अनुरूप आएंगे भैया, शिखर जी जाना भैया, ये भाव भी आएंगे कि शिखर जी पे अतिक्रमण हो रहा है, शिखर जी को बचाना, बच जाए, ये भाव भी आएंगे, लेकिन होना जो है वही होगा। ये भाव भी आएंगे कि शिखर जी जाना है, शिखर जी पे अतिक्रमण हो रहा है तो शिखर जी बचाना है, ये भाव भी आएंगे, लेकिन भगवान जी शिखर जी जाने का भाव और शिखर जी बचाने का भाव, ये दोनों भाव आत्मकल्याण नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं भैया? शिखर जी में जिन तीर्थंकरों ने, जिन महामुनियों ने, जिन भावलिंगी संतों ने जिस सम्यक रत्न को ग्रहण करके महा जो चारित्र की साधना करी है, आनंद स्वरूप की जो साधना करी है, वीतराग तत्व का जो विचार करा है, उस शुद्ध वीतराग चारित्र का विचार करोगे, आहा धन्य धन्य वे भावलिंगी महामुनिराज, धन्य धन्य वे तीर्थंकर जो संसार पाप परि को छोड़ के ऊंची चोटी पे जाके अपनी तपस्या साधना करी, जाना आहार की चिंता ना भैया, भूख की चिंता ना प्यास की चिंता, आत्म ध्यान में जो लीन हुए तो फिर वापस लौट के नहीं आए, एक बार ऊपर चढ़े तो नीचे नहीं उतरे। अपन तो भैया जाते इसलिए इसे शिखर जी जल्दी से चढ़ जाए, सुबह 2 घंटे में चढ़ जाए और 1 घंटे वापस उतर आए, चढ़ने उतरने का विकल्प लेके जाने वालों को शिखर जी की वंदना थोड़ी ना हो, जो ये भावना लेके चला जाए भैया एक बार चले गए तो वापस नहीं आए, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा गए तो वापस कहाँ आए? जिसे जाने के बाद वापस आने की इच्छा नहीं है ना, उसकी भाव वंदना हो जाएगी।
परमात्मा जो संयम के लिए, तप के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए वहां जाएगा, उसकी उसकी बात है। तो अब ये बात व्यवहार की बात ना लेके सीधी बात पे आए, शुद्ध चरणस्य अनमोय संयुक्तम, जिसको उस आत्मरमणता से संयुक्त होने की भावना है उसका कल्याण होगा। शिखर जी जाने की भावना है या भैया शिखर जी बचाने की भावना है, दोनों शुभ भाव, कल्याण नहीं होगा शिखर। लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि भावना नहीं आएगी, भावना तो आएगी, लेकिन वो भावना शुभ परिणाम है, वर्तमान वर्तमान पर्याय का परिणाम है, और मैं उस वर्तमान पर्याय से एकदम परे भीतराग तत्व भगवान आत्मा, मेरा उस वर्तमान पर्याय से, उस वर्तमान परिणाम से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। भैया शुद्ध चारित्र में रमण करने की भावना तो करे कम से कम। शिखर जी का उदाहरण दे दिया भैया, अब एक आध दुकान का उदाहरण भी सुन लो, रोटी में आचरण करने की भावना, नोट में आचरण करने की भावना, क्रोध में आचरण करने की भावना, लोभ में आचरण करने की भावना, पर परिग्रह को ग्रहण करने की भावना, अब्रह्म में आचरण करने की भावना, अपनत्व ममत्व के लिए भैया इसमें आचरण करने की भावना, मन विचार करता पापों का, कायम आचरण कर रहा, कायम आचरण करा रहा है इस आत्मा को, परम पवित्र इस आत्मा को कायम आचरण करने का विचार करा रहा है, पाप कसाय पुद्गल जड़ अचेतन परिणाम, सड़न गलन रूप पुद्गल का जो व्यवहारिक परिणाम है, स्कंद रूप जो अशुद्ध पुद्गल की अवस्था है, उस अशुद्ध पुद्गल में रमण करने की भावना है। ये जो अशुद्ध पुद्गल में रमण करने की जो भावना है ना, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, अशुद्ध स्कंद रूप इस पुद्गल में रमण करने की जो भावना है ना भैया, ये पर पुद्गल में रमण करने की भावना, ये ही संसार है। इस पुद्गल में रमण करने का विचार ही महा अनिष्ट है, इस पुद्गल में रमने की जो भावना हो रही है ये ही महा अनिष्ट है, और इस पुद्गल में रमने की महा अनिष्ट भावना को जो भी भाएगा भैया, वे जी नियम से दुर्गति जाएगा। और एकाध भाव यदि पुण्य में रमण करके शुभ गति चला भी गया तो फिर आगामी आगामी समय में दुर्गति जाएगा। तारण स्वामी का शुभ संदेश, तू स्वयं भगवान है, वो भगवान मनने की विचार करने की बात कह रहा है। मन आपका मन मंदिर है या अब या शब्द क्या बोले, आपका मन मंदिर है या मदराघर, मदराघर नहीं समझ में आओगे लोगों को, तो वार आपका घर, आपका मन मंदिर है या फिर भैया चौपाटी मदराघर क्या है, मन में क्या विचार है ये बताओ। मन यदि मंदिर है, तत्व का विचार है, तत्व में आचरण करने का विचार है, जीवन में शुद्ध चारित्र को चरण करने की भावना है, नित्य भावना हो रही भैया, अपन तो शुद्ध भाव में केवल ज्ञान में शक्ति के धारी गायक परमात्मा है भैया, ये देखो अशुद्ध, ये अशुद्धि जो चल रही है कर्म की धारा रूप विभाव विकल्प वाली, ये अशुद्धि अपना स्वरूप ही नहीं है, अपने लिए तो गुरु महाराज की आज्ञा है क्या, कि शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम, यह जीवात्मा शुद्धता में चरण करो, शुद्धता की अनुभूति करो, और दिन रात एक भावना करना है, संयुक्त रहना इसी से, क्योंकि क्यों करना है गुरु महाराज जी ये भावना, क्योंकि भैया चारित्र खलु धम्म, चारित्र को अंगीकार करोगे तो धर्म होगा, साधु बनोगे नंगो मोक्ष मक्तो, यदि वीतरागता को धारण करोगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, और नहीं तो भैया बिना दिगंबरत्व के बिना निर्ग्रंथ हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या कह रहे तारण स्वामी, विचार करो तो कम से कम क्या कि साधु होना है तो भैया आज से ही परिग्रह का त्याग करने की तैयारी कर लो। देखो भैया कल हम मुनि होंगे, ऐसी भावना करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, भजन पढ़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं, अपूर्व अवसर कब आएगा, ये गाने में भजन करने में बहुत अच्छा लगता है भैया, मेरी भावना ये पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान जी आप मेरी भावना पढ़ रहे हो, अपूर्व अवसर पढ़ रहे हो, वैराग भावना पढ़ रहे हो, भगवान आत्मा ये तो बताओ परिग्रह को छोड़ कितना रहे हो, बाहर से नहीं अंतर मन से पर को कितना छोड़ रहे हो, ये तो बताओ। अपूर्व अवसर तो उन्हीं का आएगा ना जो निर्ग्रंथ होंगे, और जिनकी अंतर की निर्ग्रंथ निर्ग्रंथता की तैयारी होगी, जिनके अंतर निर्ग्रंथता की भावना जन्म ले रही होगी, निर्ग्रंथ वीतरागता की भावना जिनके चित्त में उछाले ले रही होगी, वही तो अपूर्व, उन्हीं का तो अपूर्व अवसर है, वही तो वन वन में विचरेंगे, एकाकी
विचरण करके आत्म सुख में क्षण क्षण में अपने अंतरात्मा का अमृत रस पान करेंगे भैया, वो अपूर्व अवसर तो उनके जीवन में आएगा। किनके जीवन में? किनके जीवन में आएगा? जो वर्तमान में उस पर परिग्रह को, पर भाव को ग्रहण करने की भावना से जो मुक्त होंगे उनके जीवन में अपूर्व अवसर आएगा भैया, नहीं तो अपूर्व अवसर पढ़ लिया, मेरी भावना पढ़ ली भैया, विनती पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया आपने भैया, सब आपने पढ़ लिया, आपने अपूर्व अवसर पढ़ लिया, आपने विनती भावना पढ़ ली, आपने भवन में वैरागी पढ़ ली, सब पढ़ लिया आपने, लेकिन भगवान जी आपने जो पढ़ा उसका विचार किया क्या? अरे विचार किया तो आपको, आपने यदि सम्यक विचार किया तो उतनी देर के लिए मिथ्या परिणाम तो आपके हटे ही है, नियम से हटे, कि विचारों में जिस चीज का आप विचार करोगे, जिस चीज का आप विचार करोगे, जिस तत्व का आप चिंतन करोगे वो मन का आचरण होगा, और यदि मन में यदि तत्व का विचार का आचरण होगा उतनी देर के लिए तो भैया अज्ञानता का नाश होना निश्चित ही, उतनी देर के लिए तो भैया मोह का विनाश होना निश्चित है। आप उस तत्व का विचार करोगे, आत्म चारित्र में रमणता की भावना भावोगे तो क्या होगा भैया, आपकी निकटता बढ़ेगी किससे? आपसे, आपकी निकटता बढ़ेगी आपसे। तो भैया जिस दिन आप अपने निकट आओगे तो तारण स्वामी की बात है भैया, ज्ञान स्वभाव संत, ज्ञान का स्वभाव कैसा? ज्ञान का स्वभाव कैसा? ज्ञान का स्वभाव शुद्ध। तो भैया क्या करना है जब ज्ञान का स्वभाव शुद्ध? जब ज्ञान का स्वभाव शुद्ध तो शुद्धम चरण से अनमोल संयुक्त काम ही नहीं दूसरा भैया। देखो भैया संसारी जीवों को देखो, बहुत अच्छी बात, संसारी जीवों को दिन रात क्या काम है भैया? उन्हें संसार प्रिय है तो उन्हें दिन रात क्या काम है? उन्हें दिन रात संसार की चिंता है भैया, अपने भोगों की चिंता है, पुत्र की चिंता है, परिवार की चिंता है, धन की चिंता है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। देखो जिन्हें संसार की रुचि है ना, मिथ्या दृष्टि जीव, मन मायाचार में उलझा है जिनका, जो मन मोह के मायाचार में उलझा है वो जीव काय की चिंता कर रहे हैं भैया, दिन रात संसार की चिंताओं में डूबे। उन्हें रात में भी उठा के पूछो तो उन्हें भोग आसक्ति के अलावा कुछ निकलेगा नहीं उनके अंदर से, मिथ्या मोह राग कसाय प्रभाव परिणमन, उन्हें पर की अभिलाषा, पुण्य की अभिलाषा, भोगों की अभिलाषा, उनके जीवन में संसार की अभिलाषा हर क्षण। किसके जीवन में भैया? संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में प्रति क्षण भोगों की अभिलाषा है। अब आप एक बार बताओ कि अज्ञानी जीवों के मन में प्रति क्षण भोगों की अभिलाषा है, अंतर में उनका भोग करने का परिणाम है भैया? अब आप ये बताओ कि अपने जीवन में, अपनी अंतर आत्मा में, आप तो ज्ञानी हो ना भैया, संसारी जीव एक समय के लिए संसार का चिंतन नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए, सोते जागते उठते बैठते दिन रात 24 घंटे में एक सेकंड के लिए संसारी जीव अपने संसार का चिंतन, पर का चिंतन नहीं छोड़ा, पर की विचारधारा से मुक्त नहीं हो रहा एक सेकंड के लिए। कितना ईमानदार है संसार के लिए, कितनी ईमानदारी है इसको संसार के लिए, कि एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए ये अपने पर के लक्ष्य को नहीं छोड़ता, मंदिर भी आ जाता है, पूजा भी कर लेता है, पाठ भी कर लेता है, प्रवचन भी सुन लेता है, फिर भी इसके अभिप्राय में वो सम्यक्त का विचार नहीं आता, सब पुण्य पाप के विचार करके भैया, बाहर का विचार करके वो बाहरी बार पर उपयोग में भटकता रहता, एक बार भी इसे अपनी अंतर आत्मा का बोध नहीं आता। जबकि मंदिर आ रहा है, प्रवचन सुन रहा, स्वाध्याय कर रहा, सास पलटा रहा, महाराज तोड़ा, पाठ पढ़ रहा, सब कर रहा है, लेकिन इसे अपने तत्व का विचार नहीं आ रहा भैया, सब करने के बाद क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि संसार की रुचि होने के कारण से संसार के प्रति निष्ठावंत है, संकल्प मिथ्यात का अनंतनमंदी कसाय का संकल्प लेके बैठा है, मिथ्यात का संकल्प लेके बैठा है भैया, अनंतनमंदी कसाय की से अनंत अनुबंध करा के बैठा है, मिथ्यात ने संकल्प लिया है कि मैं सत्य को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं असत्य को ही ग्रहण करूंगा, और अनंत अनुबंधी ने रजिस्ट्री करी है, अनंत अनुबंध जोड़ा है कैसे इस संसार से, कि मैं इस अनंत काल तक इस संसार में दुख भोगता रहूंगा, जन्म मरण करता रहूंगा, अनंत अनुबंधी ने दुखों को कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और मिथ्यात ने यहां रखने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पक्के। हाँ कहिए,
अनंत वार करने के बाद आज तक क्यों नहीं पलटा भगवान जी? पहली बार थोड़ी सुन रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, जिसके अभिप्राय में सम्यक्त का विचार है उसके लिए तो कार्यकारी है। यहां तो हम मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, संसारी की। अब आपने म्यूट क्यों खोला? आप संसारी में गिन रहे हो अपने आप को? अभी तो हम संसारी की बात कह रहे हैं, स्पष्ट शब्द कह रहे हैं कि संसारी जीव कितना ईमानदार है विषय भोगों के लिए, पापों के लिए। तो मिथ्यात से, मिथ्यात के बंधन से, मिथ्यात की शपथ लेके बैठा हुआ भाई। क्या शपथ लेके बैठा है? कि हम संसार नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने पाठ पढ़ ले, चाहे कितनी जप कर ले, चाहे कितनी तप कर ले, चाहे कितनी क्रिया कर ले, हम इस अनंत संसार को छोड़ने वाले नहीं। वो संकल्प लेके बैठा। तो उसको ये सारी क्रियाएं करने के बाद भी उसे अंतर आत्मा का विचार, उसके हृदय में सम्यक्त की ज्योति का प्रकाश नहीं होगा भाई। तत्व ही तत्व सुन भी लेगा तो तत्व का रहस्य नहीं जानेगा, तत्व का मर्म नहीं जानेगा, तत्व से उसकी अंतर भाव शक्ति प्रकाशित नहीं होगी, उसकी अंतर चेतना प्रकाशित नहीं होगी। सुन भी लेगा तो भी अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया? क्योंकि उसका दृष्टिकोण संसार का है। और देखो उसको एक समय के लिए भी बोध नहीं आ रहा, बिल्कुल थक नहीं रहा वो संसार में, बिल्कुल एक समय के लिए प्रमाद नहीं कर रहा है संसार में। आलसी प्रमादी ये जीव, मोक्ष मार्ग के लिए आलसी प्रमादी, संसार की भावनाओं में एक समय के लिए भी कमी नहीं आ रही भाई। और अब देखो, अब इससे बोलो, जीव से बोलो, भैया क्या मन में इंद्रिय विषय भोगों का चिंतन करने वाले इस जीव से बोलो, भगवान जी मन आत्मनन करने के लिए मिला, मनुष्य भाव के लिए मिला, आत्म कल्याण करने के लिए, मन आत्म चिंतन करने के लिए मिला। ये वैराग भावना, मेरी भावना, ये अपूर्व अवसर, ये भावनाएं तुम्हें शुद्ध चरणस अन्वय संयुक्त, शुद्ध चरित्र को मुझे धारण करना, अंगीकार करना है, ऐसी भावना बहाने के लिए मिली भैया। ये गाथाएं, ये अपूर्व अवसर, ये वैराग भावना है, ये अनित्य भावना है, ये क्या कहते हैं, जितना भी आपको मिला 16 कारण भावना है, ये सब क्यों है भैया? किस लिए है कि भैया आप अपने उस तत्व की भावना को, उस आचरण को, उन गुणों को आप अपने चिंतन में ले सको, इसलिए। भगवान आत्मा हो तो उल्टा रहा है ना, ले रहा है चिंतन में, हो रहा, अरे विचार हो रहा है, भगवान जी जल्द से जल्द शुद्धम चरणस, शुद्ध आचरण को, शुद्ध चारित्र को ग्रहण करना है, और अनुमोद संयुक्तम, इस शुद्ध चारित्र की अनुमोदना से संयुक्त रहना। भैया मन परेशान करेगा इंद्रिय विषयों के लिए, बच्चों की चिंताओं के लिए, पर परिवार के लिए, के लिए कर्म धारा है, तो कहले क्या हमें क्या करना है? कि ना विचार मत का ग्रंथ, पहले तुम चारित्र को स्वीकार तो करो कि राग देश आदि परिणति है, ये मेरा प्रणमन नहीं है, मेरा प्रणमन ध्रुव शुद्ध, ये देखो शुद्ध ज्ञान में शुद्ध वीतराग पद है, और भैया मुझे इस शुद्ध पद में ही आचरण करना है बस। भावनाओं को वेग तो दो, संवेग, संवेग की भावना तो लेके आओ भैया। ध्रुवाय ज्ञान समुचय सार में लिखा, संवेग स्वयं वेगी। संवेग क्या है? संवेग स्वयं वेगी, संवेग स्वयं वेगवान शक्ति है। क्या कैसा वेग है उसमें? वह संवेग, वह संवेग की जो भावना है, वह संवेग का जो गुण है, संवेग दृष्टि को पहला गुण, संवेग का जो गुण है वो क्या है भैया? संवेग का क्या मना है भैया? वो संसार से विरक्त होने की भावना, मन के वैभाविक विचारों से विरक्त होके संवेग स्वयं के गुणों के प्रति वेगवान होता भैया। उत्साह अर्थात वेग का अर्थ होता है शीघ्रता, वेगवान होना, संसार से वैराग के प्रति वेगवान होके मैं ज्ञान दर्शन चारित्र में वीतराग स्वभाव हूं, अपने आत्म गुणों में, अपने उपशम स्वभाव में रहने के लिए भाव, भावमयी बहुमान से भरा हुआ होता है। बस ये बहुमान होता है कि क्रोध आदि चार कषायों को मैं क्षण में विनाश करके भैया इन कर्मों का क्षण में उपशम कर दूंगा। ऐसी संवेग की भावना उस जीव के अंतर हृदय से जागृत होती है, वो बिल्कुल सम्यक्त के लिए ललायत होता है भगवान जी। संवेग संसार से वैराग्य, संसार की विचारधारा से वैराग्य, संसार की मिथ्या मान्यताओं से वैराग्य, संसार के पाप भोग विषय कषाय से वैराग्य, संसार में जो कुछ भी इष्ट माना जाता है उन सबको वो नकार देता है एक तरीके से, अर्थात वो उनकी ओर अपनी दृष्टि नहीं देता, उसे वो सब है, संसार उसके लिए पूरा है। उसे भैया पता है क्या? परम उपाधि अपना वीतराग स्वभाव, संवेग स्वयं वेगी, अपना स्वयं का अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव, अपना ध्रुव आत्म ही है।
और बिना संवेग भावना के आप मोक्ष कैसे चले जाओ? संसार से व्यक्ति और आत्मगुणों को ग्रहण करने के प्रति उत्साह है, कसायों को उपशमित करने के प्रति उत्साह है, कसायों को बढ़ाने में उत्साह है नहीं, कसायों को उपशमन करने में उत्साह है, क्रोध काम लोभ माया इनको बढ़ाने में उत्साह है नहीं, इनको दबाने में उत्साह है। वही कैसे दबेंगी? ये भगवान की वाणी अमृत, इस अमृत को पीते पीते संसार से वैरागी और स्वयं का अनुरागी संवेग है भगवान जी उत्पन्न होता है। ऐसा वेग बहुमान, मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी वीतराग तत्व हूं, अपने लिए वेग और संसार, अरे ये तो क्षणभंगुर नाशवान जड़ अचेतन भाव, ये तो कर्मों का पिंड है, ये तो हड्डी मांस का ये पिंड, ये गंदगी का पिटारा, ये कब तक साथ रहेगा? चार दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात मतलब भैया ये मनुष्य भाव त्रस पर्याय चार दिन की जिंदगी है, 2000 से अधिक के लिए मिली है, और फिर अंधेरी रात, फिर क्या एक इंद्रिय स्थावर का है? देखो बस दो ही पर्याय। भगवान जी त्रस त्रस का ये पूरा पसारा दिख रहा है आपको सारा, और त्रस पर्याय से चले गए तो आपके लिए सिर्फ दो स्थान है बस, स्थावर और निगोद, ये दो पर्याय रह जाएंगे बस। त्रस नाड़ी के बाहर सिर्फ ये दो व्यवस्थाएं हैं, त्रस नाड़ी के बाहर दो व्यवस्थाएं हैं, या एक इंद्रिय स्थावर या भैया निगोद, बस इसके अलावा कोई तीसरी व्यवस्था नहीं। इसके बाद भी जीव को तथ्य का विचार नहीं होना, यदि जन्म मरण करता करता त्रस नाड़ी से बाहर चला गया तो अंदर आने के लिए नया कितने कितने भव लग जाएंगे, इसका विचार भी नहीं हो रहा जीव को, और ऐसा विचार भी नहीं हो रहा, ऐसा निर्णय भी नहीं कर रहा, और भगवान आत्मा फिर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा? कुछ नहीं समझ रहा, कुछ नहीं जान रहा। भैया काय के विचार में डूबा है, संसार के विचार में डूबा। अब भगवान जी बता, जो जीव संसार के गुरुदेव तो कहते हैं ती अर्थ पे आवरण डालोगे स्थावर, ती अर्थ स्वभाव को रत्नाकर स्वभाव को साधने की तुम्हारी रुचि नहीं है, तत्व का विचार करने की तुम्हारी रुचि नहीं है, नियम से स्थावर गति में जाके जन्म लोगे। जिन भगवान के वचनों को लोपन कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों की विराधना का भाव आ रहा है, उनकी वाणी को लोपित कर रहे हो और मनमानी करने में लगे हो, नियम से नीच भाव नित्य निगोद, नित्य निगोद का आप नित्य में नहीं जा सकते, इतना निगोद में जाओगे। क्या होगा ये सब, ये क्या हो रहा है? ये अपने भाव अनुसार अपना परिणाम बन रहा, अपने अभिप्राय अनुसार, अपने लक्ष्य अनुसार अपन अपनी गति निश्चित कर रहा है, तय कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, हमारा ठिकाना क्या, हम खुद निश्चित कर रहे हैं। कैसे निश्चित कर रहा है? मन मिला है कि ना? बिल्कुल मिला है। मन में विचार करने की शक्ति है कि ना? बिल्कुल शक्ति है। कि ना विवेक जागृत कर सकते हो कि ना? कर सकते हैं। तो विवेक जागृत करके भेद ज्ञान करो, अपा परफेक्शन। मन में विचार करने की शक्ति है नहीं, भेद ज्ञान करने की शक्ति है नहीं, विवेक जागृत कर सकते हो नहीं कर सकते? ये फिर विवेक क्या है? गुरु महाराज ने कहा पंडित विवेक शुद्धम, गाथा याद नहीं आ रही, शंकराचार्य जी की, पंडित का विवेक क्या है? शुद्ध है। कैसा शुद्ध विवेक है उसे? कि भैया वो पंडित का विवेक क्या कैसा शुद्ध? ज्ञान विज्ञानम, वो ज्ञान विज्ञान का विवेक रखता था, पर से भिन्न, ये देखो ये वाली गाथा ही ले लो, अपा पर पिक्षण, तो वो आत्मा पर में अंतर पहचानता है, ऐसे पंडित का विवेक शुद्ध है। ये अब जब पंडित का ऐसा विवेक शुद्ध है, इतने शुद्ध विवेक का धारी है वो, कैसा शुद्ध विवेक का धारी है भैया? कि पर पर्याय परिणति से भिन्न अपने परम भाव रूप परम पारिणामिक शक्ति को अलग जानता है, पर परिणाम को अलग जानता है, परम पारिणामिक शक्ति चेतन आत्मा को अलग जानता है, ऐसे शुद्ध विवेक का धारी वह पंडित ही तो ज्ञानी है, और ऐसा पंडित ही तो पंडित पूजा करता है, और ऐसे पंडित पूजा करने वाला पंडित ही तो ये कमलवती सी जी में तथ्य का चारित्र का विचार करता है कि भैया अब देखो बहुत हो गई संसार में, बहुत हो गई संसार में घिसा घिसी, बहुत घिस लिया शरीर पुद्गल के साथ, अब तो भाई चारित्र धारण करो, संयम की भावना भाव, चलो कल्याण करो भाई, मनुष्य भाव मिला है इसलिए मिला है कि संयम को धारण करो, चलो सम्यक्ति की गेल मिल गई है, संयम की गेल बनाओ, धीरे धीरे करके भैया विचारों में तो लाओ कि अब तो भैया सही में बैरागी होना है। और यदि वास्तव कह रहे हैं, यदि किसी के मन में वास्तव में बैरागी होने के भाव आएंगे तो वो एक रुपये जोड़ने की भावना नहीं रख सकता,
उसे लगेगा कि पुण्य की वजह से आना होगा तो आएगा, पाप की वजह से जाना होगा तो जाएगा। उसे एक बार ये भावना नहीं आएगी कि मैं कुछ बचा लूँ, कुछ जोड़ लूँ, कुछ रख लूँ, कुछ व्यवस्था बना लूँ, कुछ भावना नहीं आएगी। उसे तो लगेगा ये भी ये सब छोड़ना, इस परिग्रह के त्याग का नाम साधना। उल्टा हो रहा आज के समय जीवों को क्या हो रहा भैया, साधना करना है तो भैया खूब सारा जोड़ लो फिर साधना होगी। तो ये पर्व को ग्रहण करने की भावना तुम साधक कैसे बन जाओगे कलियुग भैया? आप साधु होने की भावना कर रहे हो तो आप जोड़ने की भावना कैसे कर सकते हो वर्तमान में? साधु होने की भावना कर रहे हो या साधक होने की भावना कर रहे हो तो जो जोड़ने की भावना से नहीं हो सकते भैया, फिर इकट्ठा करने की भावना से नहीं हो सकते, फिर ग्रहण करने की भावना से नहीं हो सकते, फिर तो त्याग, त्यागा शब्द दिया गुरु तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में, फिर तो त्याग, त्याग की भावना होना चाहिए। पर पर्याय की दृष्टि, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, त्यागी हो तो फिर त्याग होना चाहिए और प्रत्याख्यान का नाम त्याग है भाई। सम्य ज्ञान पूर्वक पर वास्तुओं से ममत्व तोड़ने का नाम, सम्य ज्ञान पूर्वक पर से स्नेह तोड़ने का नाम त्याग है, ममत्व त्याग का नाम त्याग, पर पर्याय की ओर दृष्टि ना देने का नाम त्याग। आप घृण करने की भावना रखे हो, आप त्यागी कैसे हो सकते, कैसे साधना हो सकते, साधना कैसे कर सकते? साधना करना है तो ये सब छोड़ो, मन वचन काय की प्रवृत्ति से विचार करो कि पर को जब मैं ग्रहण नहीं कर सकता तो फिर ग्रहण करने का विकल्प क्यों? जब मैं ग्रहण कर नहीं सकता तो ग्रहण करने का विकल्प क्यों? जब मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूं तो फिर वो ग्रहण करने की व्यर्थ विकल्प की धारा क्यों, विकल्प की उलझन क्यों? विकल्पों में व्यर्थ क्यों उलझा हूं मैं, विकल्पों में व्यर्थ क्यों उलझा हूं मैं, व्यर्थ की उलझन क्यों, किस लिए? कौन कह रहा है तुम्हें व्यर्थ में व्यर्थ उलझने के लिए? कौन समझा रहा है तुम्हें व्यर्थ उलझने के लिए? जीवात्मा अपने चैतन्य में, चिदानंद में, अपने आनंद स्वरूप में, अपने सत्ता को, अपने स्वरूप को, अपने अंतर आत्मा को पहचानो रे। हे जीवात्मा जानो तो कि तुम जाननहार हो, जाननहार हो, जाननहार हो, जाननहार हो, मात्र जाननहार। अब देखो भैया गुरुदेव की बात मान जाओ, अपन चर्चा क्या कर रहा है, विचार करना भैया काय का, तथ्य का, चारित्र का, ज्ञान का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विचार करना है। कमल बत्ती सी जी है तो चारित्र का विचार करने की बात हो रही है, सम्यक से जो सम्यक दर्शन ज्ञान को जो प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए है, या जो सम्यक दर्शन ज्ञान की रुचि को प्रकट कर चुके हैं उनके लिए है भैया। अब धीरे धीरे सदाचार में जीवन बना के और चारित्र की ओर आगे बढ़ो। पापाचार से विमुक्त होने की बात कर रहे हैं तारण सिंह, पापाचार से मुक्त हो गई, परिग्रह के पर को ग्रहण करने की भावना ही पापाचार मूर्छा। तो क्या कह रहे हैं, अब पाप परिग्रह से मुक्त होने की बात कर रहे हैं भैया। अब तो निर्ग्रंथ होना है तो अंतर की तैयारी करो, बातें मत जमाओ, बातें जमाओगे तो निर्ग्रंथ नहीं होगे। निर्ग्रंथ कब होगे? जब मन से विकारों का त्याग करोगे तब निर्ग्रंथ होगे। पर की दृष्टि को, पर्याय की दृष्टि को छोड़ो और मैं पूर्ण तत्व भगवान आत्मा हूं, इस परम पारिणामिक भाव की दृष्टि को प्रकट करो। मेरा ज्ञान अक्षय अनंत, मेरा दर्शन अक्षय अनंत, मेरा सुख अक्षय अनंत, मेरे अंतर में जो मेरे अनंत अनंत गुण है वो सब अक्षय अनंत। अपने गुण में चरण करने की भावना तो करो, विचार तो करो, मन में मोहे का अंधकार भरा है जीवात्मा, इस मोहे के अंधकार को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित तो करो अंदर, ज्ञान में मन में प्रकाश तो करो जिन भगवान के वचनों का, भगवान की वाणी का उजाला तो लेके जाओ, दीपक तो जला के लेके जाओ, ज्ञान का दीपक, भगवान की वाणी सुन के सम्यक ज्ञान का दीपक जला के मन के अंदर रखो। तो जैसे ही मन में सम्यक ज्ञान का दीपक जलाओगे वैसे ही मन के अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखाई देने लगेगा, अंधकार है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान का दीपक जलाओगे तो इस मन में ही वो मनन करने योग्य शक्ति, वीतराग चेतन शक्ति विद्यमान है। मन में अंधेरा है तो मन में ही रखी हुई मूर्ति, चैतन्य ज्ञान में मूर्ति, वो वीतराग परमात्मा दर्शन नहीं होगा। और यदि मन में ही सम्यक ज्ञान का दीपक जला लोगे तो जो मन में चैतन्य में प्रकाशवान अपना वीतराग तत्व है ना, परम वीतराग निर्ग्रंथ तत्व, वो जो वीतराग शुद्ध आत्मा है, अब भी अली मन में ज्ञान की ज्योति जलेगी और परमात्मा जो मन में बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ, वो हृदय से परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अब भी आज यहीं बैठे
अंधकार है, दिख नहीं रहा, उजाला हो जाएगा, दिखने लगेगा। सम्यक ज्ञान का प्रकाश तो करो पहले भगवान जी। ज्ञान इंद्रिय विषय भोगों के मोह माया जाल से उलझा हुआ है और अपने स्वरूप की भावना में कमजोर है। भाई हमें तो आत्मा का श्रद्धान हो गया, हम तो शुद्ध हैं, सब हमसे भिन्न है। अरे भिन्न तो राग आदि पर्याय क्यों चल रही है, कहले भाई कर्म को दे चल रही है। और मूर्ख कर्म को दे चल रही है, फिर तू जुड़ क्यों रहा है, कहना भाई इस भूमिका में हो जाता है। तो भगवान यदि जुड़ान हो रहा है, विकार भाव चल रहा है, विरक्ति की भावना क्यों नहीं भा रहा, कहना भाई भाव ही नहीं हो रहा है, विरक्त होने के भाव ही नहीं हो रहा है, तो क्यों भावना भाएंगे, कहना ये जो भाव नहीं हो रहा है विरक्त होने के, ये प्रमाद। और ये जो प्रमाद है ना, ये प्रमाद अनंत संसार है, ये प्रमाद तुझे गहरे घोर सागर में डुबाने वाला है, घोर भयानक इस संसार के सागर में कौन डूबेगा जो प्रमादी है। कैसा प्रमादी, अपने स्वभाव की भावना माने में आलसी, अपने चरित्र को अंगीकार करने में प्रमादी, सम्यक का विचार करने के लिए भैया जो आराम कर करा पर के भोगों में व्यस्त है, लेकिन जिसे अपने स्वभाव का विचार करने की फुर्सत नहीं है, भैया वही इस निगोध आदि पर्याय में डूबेगा। संसार की नर्क नारक आदि जो निगोध आदि पर्याय में कौन जाएगा, संसार ये कौन सा जिसे तत्व विचार का समय नहीं, जिसे तत्व का श्रद्धान है वो नहीं जाएगा, जिसे तत्व का बोध है वो नहीं जाएगा, जिसे आत्मा की अनुभूति वो नहीं जाएगा, जो वीतराग इस वाणी को अनुभव से सिद्ध कर चुका है, जो पर को परिग्रह को अंतर से त्यागने तैयार है वो नहीं जाएगा। कौन जाएगा नरक निगोद में दुर्गतियों में, भगवान आत्मा, जिसे भगवान की अमृत में वाणी अंतर से छू नहीं रही, जिन्हें भगवान की वाणी का अंतर बोध नहीं हो रहा, वो जीव, वो संसारी जीव जाएगा। काम मना लो रे चेतन आत्मा, अपना अनंत काल हो गया भटकते, अनंत काल होगा भटकते 84 लाख योनियों में भगवान जी, अब काम मना लो भगवान आत्मा, शीघ्र अति शीघ्र अपने निर्ग्रंथ वीतराग तत्व को अनुभूति से सिद्ध करके अपना काम मना लो, सिद्ध कर लो अपना काम। तो भगवान आत्मा यदि अपना काम सिद्ध नहीं किया तो भगवान जी सिद्ध अवस्था कभी नहीं आएगी। सिद्ध अवस्था को प्रकट करने के लिए अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति चाहिए। सिद्धो हम रुचि। ना किसी से भय रहा है, ना किसी से सल्ल रहा है, ना कहीं मन दबे। मन दबता है अज्ञान भावों से, मन दबता है पर के महत्व से, मन दबता है पर्याय की उलझनों से। भैया अपना मन ना दबे, क्यों ना दबे भैया मन, क्योंकि मन में तत्व का मनन हो तो मन क्यों दबे। कर्मों के बोझ से कौन दबता है भैया, जो कर्मों को महत्व देता है, जो कर्मों को अपना मानता है, वो जीव कर्मों के बोझ से दब जाता है, वो थकता है, उसे एक एक कदम चलना भारी होता है। भैया अपन लौकिकता में भी देखते ना भैया, क्या देखते हैं भैया, जिसके ऊपर भार लगा हो और लदा हो, वो एक एक कदम चलने के लिए कितना परेशान होता है, उसको एक एक कदम उठाना कितना भारी होता है भैया। एक एक कदम उठाना इतना भारी क्यों हो रहा भैया, एक एक कदम आगे बढ़ना इतना भारी क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मों की मान्यता मैं ही करने वाला हूं, इस कर्तव्य के वजन से लदा हुआ है। मिथ्या की परिणति ने पकड़ रखा है, क्या पकड़ रखा है भैया, पर के होने वाले, अप्पा परु, परु मतलब पर, तो उस कर्तव्य की परिणति ने उस पर को पकड़ रखा है भैया, क्या पकड़ रखा है कि मैं ही इस पर का परिणमन कर रहा हूं, मैं ही इस पर में परिणमित हो रहा हूं, कर रहा हूं तो भी पकड़, और मैं इस पर में परिणमित हो रहा हूं ये भी पकड़, दोनों पकड़ी है, एक ही बात है, एक उल्टा घुमा के और एक सीधा घुमा के, एक शुभ भाव सहित एक अशुभ भाव सहित। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं, मैं ही कर पर का कर रहा हूं, मैं ही पर को करा रहा हूं, या फिर कर्म जैसे मैं ही इस पर में परिणमित हो रहा हूं। ऐसा जो जीव को पर में एकत्व का भाव है, अपनत्व का भाव है, कर्तत्व का भाव है, ममत्व का भाव है, ये जो भाव है ना भैया, एकत्व अपनत्व कर्तत्व ममत्व, ये भाव, ये जीव का अनंत अनंत संसार है। थोड़ा बहुत संसार नहीं है ये जीव का अनंत अनंत संसार है, अनंत अनंत। और ये अनंत अनंत संसार जीव को नियम से निगोद की यात्रा कराया। एक सांस समझ में नहीं आती ना, तो एक सेकंड में 24 बार
जन्म और मरण, आराम से आनंद पूर्वक भैया जन्म मरण करो, जन्म मरण करो आनंद पूर्वक। अच्छा बताओ, आनंद पूर्वक जन्म मरण करो भैया, बहुत दुख है। अरे भगवान जी, अरे तुम्हें जन्म मरण में दुख लगना होता तो तुम्हारे तत्व का विचार नहीं करते, पाप में से कसाय में क्यों उलझे रहते। किसी ने म्यूट खोला, फरमाइए कौन है। कौन महानुभाव है भगवान जी? रोशनी, रोशनी जी आपका म्यूट खुला, पता है क्या पूछे? लेफ्ट हो गए। चल भगवान, गुरुदेव की बात है क्या कि अपने स्वभाव को अपने सामने रखो तो भगवान आत्मा। भगवान आत्मा देखो, यदि तो ये जीव होते हुए भी, ए जीव आत्मा अंतर से बहुत जगह, अरे वैराग्य की भावना तो लेके आओ। वैराग्य भावना पढ़ने की बात नहीं कर रहे हम, संवेग की भावना कर रहे हैं। संवेग दृष्टि को संवेग, संवेग भाव उत्पन्न होता है। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा वैराग्य का वेग तो लेके आओ। संसार ये अवीक्षण संवेग भावना, ये संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, राग आदि की पर्याय विनश्वर है, और इन पर पर्याय से भिन्न मैं गायक परमात्मा चैतन्य स्वभाव हूँ, दर्शन ज्ञान चारित्र मैं हूँ, तो मेरे अंतर में मेरी ध्रुव सत्ता विलास रही है। ऐसा संवेग का भाव तो लेके आओ, संवेग स्वयं वेगी अंतर आत्मा के प्रति रुचि बांध तो हो, स्वयं का उत्साहित धारण करो, उत्साहित शुद्ध शुद्ध में आचरण करने का उत्साह। अच्छा बताओ, किसी के यहाँ शादी हो तो शादी में नाचने का उत्साह, किसी का जन्मदिन हो तो उसको बधाई देने का उत्साह, क्यों भैया संसार में आया बधाई हो, अब संसार में ही रहना, शादी अनंत काल से संसार को छोड़ के मत जाना, शादी कर ले, क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी बसा के कुटुंब बढ़ाना, अब संसार से बाहर मत निकलना भैया। कह ले भैया क्या कर, कह रहे भैया दुकान खा चलाओ, पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, क्यों? क्यों नहीं भैया परिग्रह जोड़ते रहना, कभी निर्गत होने की भावना मत मारना। करना क्या है? कह ले अरे खाओ पियो रेश करो, क्यों? क्योंकि भैया भूख प्यास की वेदना हमेशा सहन करना है अपने को, और भूख प्यास की वेदना से मुक्त नहीं होना अपने को, अर्यंत तो होना ही नहीं है। 1800 से रहित अर्यंत पद प्रकट करना ही नहीं है। कह ले करना क्या है आप तो ये बताओ। कहना कर्तव्य के भाव से पुण्य पाप कर्म करते रहो। कहना क्यों करते रहे? कहना संसार छूट ना जाए गलती से। कहना क्यों, क्यों ना छूट जाए? भैया संसार छूट गया तो मोक्ष में रखा क्या, कोई भी तो नहीं है, ना माता ना पिता ना पुत्र ना परिवार ना धन ना दौलत ना पैसा, क्या करेंगे मोक्ष जाए? यहाँ कम से कम व्यवस्था तो है, और बोले त्रस पर्याय मिल गई है बढ़िया, तो अब भैया ये सब व्यवस्थाओं का उपभोग तो कर लेना जरा। जीव को भगवान जी जरा सा विचार नहीं आ रहा, थोड़ा सा विचार नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए जीव को विवेक की जागृति नहीं हो रही, विवेक अंतर विवेक काम नहीं कर रहा है। और सम्यक दृष्टियों को आत्मार्थी जीवों को भी ये परिणाम चलते हैं, ऐसे भाव होते हैं, ऐसा परिणाम होता है, लेकिन उनका विवेक कहता रहता भगवान आत्मा कहाँ बह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वापिस चलना है अपने को अपने देश। चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से उनके भी विपरीत परिणाम देखा जा सकता है, निश्चित नहीं देखा जाए, पक्ष नहीं कर रहा विपरीत परिणाम का, देखा जा सकता है, लेकिन उनकी अंतर आत्मा एक पल के लिए उनका अभिप्राय नहीं बनाती, हर पल जागृत रहती है, ये रे पागल कहाँ चले, चलो वापिस निज घर में, ये पर्याय परमान, ये संसार, ये संसार के सारे विषय, ये तुम्हारा घर नहीं है, इन सबको, इन पर भाव को छोड़ो और निज घर में अपने चैतन्य आत्मा के आनंद में मस्त रहो। अंतर अंतर की रुचि जागती है ज्ञानी के अंतर में, हृदय में। अब भैया अज्ञानी के अंदर में अनंत काल से अज्ञानी भरा है, उसे संसारी रुचता, इधर उधर की बातें करवाओ, इसके यहाँ क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, इसने ये किया, उसने क्या क्या किया, अज्ञानी से पूरी दुनिया की चर्चा सुन लो भैया, और ज्ञानी के पास जाके बैठे थोड़ी देर भी, 5 मिनट भी यदि ज्ञानी के पास जाके बैठोगे तो कुछ ना कुछ आत्मा की बात सुनाई देगा, कुछ ना कुछ तथ्य की बात, कोई ना कोई भेद ज्ञान की बात, कोई ना कोई तथ्य का निर्णय, कोई ना कोई वस्तु स्वरूप, कुछ ना कुछ तो आपको माल मिल ही जाएगा अंतर आत्मा, कुछ ना कुछ तो कल्याण की बात मिली जाएगी। जय तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है भगवान जी, अपने पकड़ में आ रहा, अपने को पकड़ में आ रहा है
तो गुरुदेव कह रहा है मनन करो, मनन मन मन मनन करने के लिए है भैया, तत्व का मनन करने के लिए, इंद्र विषयों का नहीं। मन मनन करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है, लेकिन अपने शुद्ध स्वभाव का, अपने अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र की रमणता का, मोक्ष मार्ग का विचार करने के लिए भैया। संसार मार्ग का विचार करने की जरूरत ही कहाँ, वो तो विचार चल ही रहा है और जीवन में डूबा ही है। मन मोक्ष मार्ग का विचार करने के लिए मिला भाई, संसार का विचार भी तो करना पड़ेगा। अरे भगवान, संसार का विचार करने की जरूरत क्या है, जैसे कर्म मने है वैसे उदय में आ रहा है, जैसे उदय में आ रहे हैं वैसे परिणाम हो रहा है, विचार करने से मिल क्या रहा। यहाँ अपन विचार कर ले कुछ भी तो मिल क्या रहा है, जो कर्मों की लीला है वो कर्मों की लीला चल रही है, जो कर्मों की धारा है कर्मों की धारा चल रही है। यहाँ विचार करने से मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, नील बटे सन्नाटा। तो क्या करना है, इस मन से पर का मनन छोड़ के, पर का स्मरण छोड़ के, पर का चिंतन छोड़ के, इस मन से आत्मनन करना है। और आत्मनन भी कैसा, ज्ञान सहावम शुद्धम, पर पर्याय उससे भिन्न है भैया, इन पर पर्याय के सल से मुक्त होके क्या कुछ क्या चिंतन करना है, ज्ञान सहावम शुद्धम, मैं शुद्ध ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ, ज्ञाया ज्ञान स्वभाव भगवान। क्या करे भगवान आत्मा, भगवान आत्मा शुद्धि राग आदि विकार थोड़ी खाएगा, क्या करेगा, चारित्र मोह के उलझनों में थोड़ी उलझेगा, क्या करेगा, चारित्र मोह से छूटने के लिए शुद्धम चरण से अनुमय संयुक्तम, शुद्ध चारित्र ग्रहण करने की भावना करेगा। तो ये जिसमें बल है वो धारण कर लेगा, जिसमें बल नहीं है वो भावना करेगा। करे तो रमणता की बात तो करे, आत्म रमणता की बात तो करे, वीतरागता की चर्चा तो करे, वीतरागी होने के लिए मार्ग तो बनाए, संयम की भावना तो भाए, अपने संकल्पों में दृढ़ता तो लाए, धीरे धीरे अभ्यास भाव बनाए, बस शुरुआत तो करे भाई। अब शुरुआत ही नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा, राग देश के नशे में मदमस्त और बिल्कुल आनंदित हो रहा भाई, बस मशहूर है काय में अपने राग देश की परिणति। देखो कितने अपन कितने पॉपुलर है, संसारी कह रहा है, सब कह रहा संसारी, कितने पॉपुलर है भाई, ये तो अज्ञानी संसारी, कितने पॉपुलर है, कितने प्रसिद्ध है अपन, अज्ञानी है, मूढ़ है, पापी है, संसारी है भैया, पूरी जनवाणी में प्रसिद्ध है अपन, हर इंसान हर ज्ञानी कहता है संसारी, अपन खुद ही कहते हैं अपन संसारी जीव भाई, हम तो संसारी जीव है, मैं आत्मा परमात्मा की बात समझ में आती नहीं, मैं तो घर गृहस्थी की बात, पाप परिग्रह की बात, विषय कसाय की बात समझ में आती है, हम तो संसारी जीव है भैया, हम संसार की बात समझ में आती है, ये आत्मा परमात्मा होता क्या है, किसने देखा, कितने कितने प्रसिद्ध हो गए अपन, निहोदिया कहलाने में, नार की कहलाने में, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने में, कितनी प्रसिद्धि है अपनी चारों तरफ। अब बेचारा सिद्ध भगवान को कौन जानता, पड़े हुए कोने में ऊपर ऊर्ध गमन करते, कौन जानता उन्हें, भगवान आत्मा कौन जानता है, जय बोल दो छुट्टी। देखो अच्छा एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान के समय में कितने जैनी थे, आदिनाथ भगवान के समय में कितने जैनी थे, अरे 100% जैन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था। महावीर भगवान के समय में कुछ करोड़ों की संख्या होगी, 6-7 करोड़ बस। तो भगवान आत्मा जे समय के परिवर्तन में सब चला गया, और आज आज पंचम कर्ण कितने जैनी होंगे, मुश्किल से लाखों की संख्या में, तो क्या हो रहा भगवान जी, धर्म का तो नाश हो ही रहा, नाम के जैनी भी अब लाखों में बचे, काम वाले जैनी तो फिर तो हजारों में भी नहीं होंगे भाई। तो भगवान आत्मा चारों तरफ विनाश लिया चल रही है, आदिनाथ के समय से देखा जाए और आज देखा जाए तो सब खत्म जैसा, सब नष्ट हुआ जैसा है। और भगवान आत्मा इस नश्वर संसार में, इस नश्वर पर्याय में, इन नश्वर विकल्पों में, इन बाहर की बातों में जी इतना खोया है, इतना खोया है, इसे आत्म तत्व का बोध नहीं आ रहा, विलुप्ति, पंचम काल में कहते हैं वीतराग धर्म की विलुप्ति, तो नाम के जैनी भी खत्म हो रहा है, काम के तो है ही नहीं, खैर बहुत कम है, नाम के भी खत्म हो रहा है। तो ये क्या भैया, ये मिथ्यात का आवरण बढ़ रहा है, अज्ञान का आवरण बढ़ रहा है, कसाय का आवरण बढ़ रहा है,
कसाय और राग के मिथ्या मोह के आवरण में जीव डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। और भगवान जी इस मिथ्यात और मोह की डुबकी, इस अज्ञान की डुबकी में ये जीव डूबा जा रहा है, और डूबा जा रहा है तो क्या हो रहा है भैया, बस इसको क्या दिख रहा है, बस अज्ञानता ही अज्ञानता दिख रही है, संसार ही संसार दिख रहा है, संसार के विषय विषय दिख रहा है, जैन तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, पंचम काल में होना ही विलुप्ति आपको दिख रही है। आदिनाथ के समय से आज देखो तो आप 1% भी नहीं, 1%। महावीर के समय से देखो तो आधे के आधे के आधे भी नहीं, एक मात्र बिल्कुल 5% बस, विलुप्ति तो है ही। आप बना लो बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर, खूब करोड़ों की संपदा बना लो, क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे और उस पर कब्जा करेंगे। वीतरागता में आचरण नहीं बनाना, मंदिर बनवा लो, धर्मशालाएं बनवा लो, ऊंचे ऊंचे शिखर बनवा लो, सोने के कलश चढ़वा लो, हीरे मोती जड़वा लो, तो लोग को देखेंगे भैया जहाँ हीरे मोती वहीं डाकू आएंगे। डाकू कहाँ आएंगे, डाकू निर्धनों के पास थोड़े आएंगे, साधकों के पास थोड़े ना आएंगे, जिनके जो खुद पोकटियाँ हैं उनके पास नहीं आएंगे, जिनके पास हीरे मोती जवाहरात उनके पास ही तो आएंगे। सारे हिंदू क्यों भगा, क्यों क्यों छीन रहा है संपदा, इसलिए छीन रहा है, देख रहा है हम इतने सारे तो भी कुछ नहीं, और ये जैन मुट्ठी भर तो भी देखो इनकी शान। बट जो बलवान वो धन भोग की आसक्ति वाला जीव पर क्या करेगा भैया, आपकी संपदा को छीनेगा, उनके लिए तो पत्थर ही है और क्या। भगवान आत्मा ये दुनिया सब इंद्रिय विषय वासनाओं और पापाचार से चल रही है, और यहाँ जो कलयुग, हम रोज ही ये पर चर्चा करते हैं भैया, कलयुग में जो होना है वो ही होना है, ऐसे कलयुग नहीं कहते ऐसे। लेकिन भगवान आत्मा इस कलयुग में भी यदि कोई अपने रत्नत्रि की ज्योति जला ले तो गिरते हुए परिणामों के बीच में भी, गिरते हुए भाव के बीच में भी, विसंगति के बीच में भी, दुर्संग के बीच में भी, कुसंग के बीच में भी, यदि कोई जीव अपने अंतरात्मा को जागृत कर ले, कोई सम्यक की भावना को स्वीकार कर ले, सदगुरु की शरण में आ जाए, तत्व का विचार कर ले, तो भैया ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाएगा। अरे अनंत पापी त्रिगाय आगम भरा हुआ है, डाकू चोर भैया, डाकू चोर बलात्कारी और क्या कह रहे हैं, पाखंडी से पाखंडी, और क्या एक उदाहरण याद नहीं आ रहा, अरे बड़े बड़े मांस भक्षण करने वाले भी सुधर गए भैया, अवक्षी वो भी सुधर गए और सिद्ध हो गए। लेकिन भगवान जी अपन तो रोज सदाचार के गीत गा रहे हैं, छना हुआ पानी पी रहा है, रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, कोई मायाचारी से कर रहा है, लेकिन करने का ढोंग तो कर रहा है, रात्रि भोजन त्याग करने का ढोंग। तो भगवान जी अरे वो लोग सुधर गए तो अपन सुधर सकते, नहीं सुधर सकते, सलटने के लिए तत्व का विचार चाहिए, शुद्ध तत्व का विचार, और यदि शुद्ध तत्व का विचार नहीं है, छह काय के जीवों पे दया अनुकंपा भाव नहीं है, अपने समान जाति जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान आत्मा आप कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। जीव 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 जीवत्व का बोध ना हो तो तुम मुर्दा जैसा ही तो है, मुर्दा में तुझमें अंतर क्या, मुर्दा में और तुझमें अंतर क्या है, जैसा मुर्दा वैसा तू। इसलिए भैया अपना समय हो चला है, घड़ी भी कह रही कि भैया 1 घंटा पूरा होने वाला है, 1 मिनट के अंदर अंदर। भगवान जी अपन गुरुदेव की इस वाणी को समझें, अपन कल गाथा आगे बढ़ाएंगे, आज ये गाथा पूरी कर देते हैं। अप्पा पर पृच्छन्तो, आत्मा और पर को पहचानो, क्या करें गुरु महाराज, आत्मा और पर में भेद पहचानो, और पहचान लिया है कि पर क्या है और आत्मा क्या है, तो फिर पर पर्याय सल मुक्ता नाम, पर पर्याय की सल से अपने को मुक्त होना है, ये अपना लक्ष्य है जीवन का, ये अपने को पर की चिंता करना ही नहीं है। सांस रुक जाए तो रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो आ जाए, बीपी बढ़ जाए तो बढ़ जाए, और अभी समाधि हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें किसी दूसरे की चिंता करनी नहीं। कल क्या होगा, 2 मिनट बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद क्या होगा, कोई चिंता अपना विषय नहीं है, अपनी चिंता का विषय अपना स्वभाव, अपनी चिंता का विषय अपना तत्व, अपने चिंतन का विषय अपना गायक स्वरूप। इसलिए पर की चिंता से अपना को कोई लेना देना नहीं है भैया, ज्ञान सहावम शुद्ध, अपना गायक ज्ञान स्वभाव अनादि से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। और गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है, ऐसा ही सत्य जानो, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है वही जान सकता है कि पर क्या है, आत्मा क्या है,
जहां ज्ञान पर विकल्पों से मुक्त होगा वही विशुद्धि हो सकती है। कह रहा है ज्ञान सहावं शुद्धम, सम्यक ज्ञान का प्रकाश शुद्ध है, जो सम्यक ज्ञान है ना इसका प्रकाश शुद्ध है। तो क्या करे, किले इसे शुद्ध सम्यक ज्ञान के प्रकाश को जानते हो तो क्या करो, शुद्धम चरणस्य अनुमोह संयुक्तम, शुद्ध चारित्र की अनुमोदना से संयुक्त रहो। बस एक ही काम है अपना, चारित्र ही अपना धर्म है, शुद्ध चारित्र में रमणता को ग्रहण करो। जब शुद्ध सम्यक ज्ञान का प्रकाश है तो चारित्र में क्यों भयभीत हो रहे हो, आगे बढ़ो और पुरुषार्थ करो, मोक्ष जाओ। ऐसा तारण स्वामी क्या, जब शुद्ध सम्यक ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे हिये में है तो चारित्र के लिए पीछे कदम क्यों हटा रहे हो, आगे बढ़ो, मारो छलांग और शुद्धम चरण शुद्धता में आचरण करो और उसकी रमणता से संयुक्त रहो तो केवल ज्ञान में ध्रुव तत्व को प्रकट कर लोगे, तुम खुद परमात्मा हो जाओगे, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का उद्घोष भैया। अब ये उद्घोष जिस आत्मा को पसंद आ जाए, ये बात जिसके चित्त में छू जाए, इस बात को सुन के जिसका मन हर्षायमान हो जाए, जिसके अंदर उत्साह आ जाए, तो इस तत्व का चिंतन करके, इस चारित्र का विचार करके, इस शुद्ध वितराग चतुष्टय में आत्मा का विचार करके, वो इन विचारों से पार अपने ध्रुव तत्व का अनुभव कर लेगा। नहीं तो भैया यहाँ भागेगा वहां भागेगा, ये करे भावना नहीं कर पाएगा, यहाँ वहां भगते भगते अपना जीवन खत्म कर लेगा। भैया अपने जीवन में सम्यक का उजाला हो, अपने जीवन में तत्व का विचार हो, और अपन पर के अभिप्राय को त्याग के और गुरुदेव की समृद्ध में वाणी से सम्यक में चिंतन करते हुए शुद्ध चारित्र का विचार करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुवा शांत तरण मंडला।